हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से चेक रिपब्लिक और बेल्जियम के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी सिम्बॉलिक टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो प्लेयर का रिकॉर्ड देखने के बाद और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की जो पॉइंट्स टेबल है, उस पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों टीमों को क्या रहते हैं पॉइंट्स स्टैंडिंग, तो एक बार नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं पॉइंट्स टेबल पर, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं यहाँ से जो चेक रिपब्लिक है यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पर है इस ग्रुप में, वहीं पर बात करें जो बेल्जियम है यहाँ से सेकंड पोजीशन पर है। तो गाइस दोनों टीमों ने एक मैच खेले हैं और दोनों टीमों ने एक एक मैच को विन किया है, लेकिन चेक रिपब्लिक ने 6 गोल करे हैं और 2 गोल कंसीड किए हैं। वहीं पर बात करें जो बेल्जियम है इसने 3 गोल करे हैं और 1 गोल कंसीड किया है। तो अटैकिंग वाइज दोनों टीमों को काफ़ी बेहतरीन अटैक है, लेकिन डिफेंसिव वाइज अगर नज़र डाली जाए तो बेल्जियम का काफ़ी बेहतरीन डिफेंस है। तो गाइस बात करते हैं जो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में इन दोनों टीमों का जो पॉइंट टेबल है वहाँ पर क्या है। तो गाइस फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में चेक रिपब्लिक की 42 पोजीशन है, वहीं पर बात करें जो बेल्जियम है 1 ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट रैंक है। तो गाइज आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट टीम होने वाली है। तो गाइज मैं यहां से बैक करने वाला हूं बेल्जियम को, और आप भी बेल्जियम को ही बैक करेंगे क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की। तो उस कंडीशन, लेकिन मैच होने वाला है ये चेक रिपब्लिक के होम ग्राउंड में, तो चेक रिपब्लिक इस मैच में कहीं ना कहीं 1 गोल पर मैच स्कोर कर सकती है। तो गाइज उस कंडीशन के अनुसार इस मैच में हम ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे। अब गाइज बात करते हैं जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैच खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड में, और वहाँ से क्लियर हो जाएगी कौन सी टीम यहाँ से फेवरेट टीम होने वाली है। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 3 हेड टू हेड मैच में से चेक रिपब्लिक ने 2 मैच विन किया, आई एम शॉक्ड यार, और 1 मैच यहाँ से मतलब बेल्जियम ने ही विन किया है, और 2 गोल पर मैच स्कोर किया है और 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। अटैकिंग वाइज 2 गोल पर मैच स्कोर करते हैं बेल्जियम के खिलाफ, लेकिन 1 गोल पर मैच कंसीड भी कर देते हैं। तो अटैकिंग वाइज अच्छा परफॉर्मेंस रखती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहने के नॉर्मल परफॉर्मेंस रखती है। लेकिन जब इसने मैच विन किया ना वो काफ़ी पहले की बात है, 2009-2007, तो उस टाइम में आज के टाइम में आप यहां से देख सकते हो कि बेल्जियम और चेक रिपब्लिक में कितना अंतर है। तो गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, यहां से बेल्जियम 2-1 से विन कर गई 2017 में। तो गाइस रिसेंटली मैच तो यहां से बेल्जियम विन किया, लेकिन जो प्रीवियस के 2 मैच हैं वो यहां से आपको चेक रिपब्लिक विन की है। तो रिसेंटली तो गाइस यहां से बेल्जियम का हेड टू हेड काफ़ी बेहतरीन, लेकिन जो अगर प्रीवियस में बात की जाए तो यहाँ से चेक रिपब्लिक ने 2 मैच विन किए हैं। तो गाइज अब बात करते हैं जो इन दोनों टीमों का जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं चेक रिपब्लिक ने पिछले 6 मैच में से 4 मैच किए विन और 2 मैच लॉस किए, 1 एड गोल पर मैच स्कोर किया, 0 एड गोल पर मैच कंसीड किया। अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में स्कोर करती है, डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं बड़ी टीम के खिलाफ कहीं ना कहीं 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। अब गाइज बात करें जो पिछला मैच एस्टोनिया के खिलाफ ये खेल कर आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक ने 6-2 से विन किया था, अटैकिंग वाइज हाई परफॉर्मेंस किया था। वहीं पर बात करें उससे पिछले मुकाबले यहां से स्लोवाकिया से विन किया, जिसमें 2-0 से विन, फिर यहां से आप देख सकते हो इसराइल से विन किया, फिर यहां से जर्मनी से भी विन किया, और फिर यहां स्कॉटलैंड जर्मनी से लॉस किया, फिर स्कॉटलैंड से लॉस किया, और फिर यहां से इसराइल से इसने 2-1 से विन किया। तो हल्की टीम के खिलाफ इसने क्लीन चिट भी रखा प्लस विन भी किया, लेकिन आज मैच होने वाला है वन ऑफ द बेस्ट टीम से, क्या उस टीम के खिलाफ ये गोल स्कोर कर पाएगी, क्या ये गोल कंसीड कर पाएगी, वो देखने वाली बात रही। लेकिन गाइज अब बात करते हैं जो बेल्जियम है जो उसका रिसेंट फॉर्म उसके बारे में। तो गाइज बेल्जियम ने पिछले 6 मैच में से 5 मैच किए विन और 1 मैच लॉस किया है, 2.3 गोल पर मैच स्कोर किया, 1.2 गोल पर मैच कंसीड किया। अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में 3 गोल स्कोर कर देती है हल्की टीम खिलाफ, लेकिन नॉर्मल टीम खिलाफ 2 मैच में 5 गोल पर मैच स्कोर करती है। डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में गोल कहीं ना कहीं कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच अपना ये वेल्स से खेल कर आ रही, जिसमें से 3-1 से विन किया, फिर उससे पिछले मुकाबले यहाँ से डेनमार्क से 4-2 से विन किया, फिर यहाँ सारा मैच आप देख सकते हो इसने इजिली विन कर लिया प्रत्येक मैच में गोल कंसीड करके, फिर यहाँ से इसने इंग्लैंड के खिलाफ इसने 2-1 से लॉस किया, बाकी सारी टीम के साथ इसने
गोल स्कोर किए हैं, लेकिन एक मैच में गोल मतलब इसने क्लीन चिट रखा, बाकी सारे टीम के खिलाफ इसने गोल कंसीड किया। तो गाइज इस मैच में जो हमारे स्कोरलाइन प्रेडिक्शन है ना, तो यहाँ से 1 गोल चेक रिपब्लिक, और यहाँ से कम मैं मान के चलता हूँ इस मैच में 2 गोल यहाँ से बेल्जियम। तो उस कंडीशन के अनुसार इस मैच में जो हमारी समोलिक टीम बनेगी ड्रीम 11 पर 1-2 की प्रेडिक्शन के अनुसार बनने वाली है। अब गाइस बात करते हैं जो इन दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं चेक रिपब्लिक प्लेयर्स के बारे में। फिर गाइस बात करेंगे बेल्जियम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं, कितना असिस्ट किए। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, उसी लिंक से आपको ज्वाइन होना है। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो आप किसी न किसी फेक चैनल में चले जाओगे। तो उम्मीद है कि आपने उसी मतलब लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो गाइज अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए, कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं चेक रिपब्लिक के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइज बात करेंगे बेल्जियम के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज ये गोल असिस्ट आपको ना यूएफए चैंपियनशिप लीग का दिखेंगे, मतलब जो यूरोपियन चैंपियनशिप लीग होगी ना उसमें, ये जिसमें पैट्रिक शिक ने 4 गोल किए थे, 1 गोल इस टीम तरफ पेनल्टी यहाँ से पैट्रिक शिक लेगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से सभी प्लेयर का आप देख सकते हो तो 1-1 गोल किए हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपके लिए मैं बता दूँ, थॉमस सुसेक, जिसने पिछले मैच में 3 हैट्रिक मतलब हैट्रिक में गोल किया था, 3 गोल किए थे, और इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट आपके लिए हद से ज़्यादा देगा। तो उस कंडीशन में इसको आप जरूर पिक करके चलना, और यहाँ से शिक, इन दोनों को ना आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अपनी ड्रीम 11 की टीम में। तो यहाँ से आप डेरिडा को पिक कर सकते हो, और यहाँ से चाहे तो एक आपको पिकिंग करनी है इस टीम को जो गोल कीपर उसको। तो गाइज इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से शिक, और यहाँ से सुसक, और यहाँ से आपको डेरिडा देखने को मिलेंगे। अब गाइज बात करते हैं जो इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो गाइज इस टीम तरफ हाईएस्ट असिस्ट जेकब जानटो है, जिसने 3 असिस्ट किए, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं इसको याद बताना भूल गया, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और सारे प्लेयर्स ने आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। अब गाइज बात करते हैं बेल्जियम, आई एम एक्साइटेड फॉर बेल्जियम प्लेयर्स हाउ मच गोल एंड असिस्ट। तो सो देखते हैं क्या रहते हैं इन दोनों टीमों के जो प्लेयर मतलब बेल्जियम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कितने गोल कितना असिस्ट किए। तो देख यूएफए चैंपियनशिप लीग में हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से रोमेल लुकाकू, किस कौन नहीं जानते इसको, सब जानते हैं यार, जो फैंटेसी खेलते हैं वो तो इसको 110% जानता है। एडन हजार्ड को शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर जितना रोमन लुकाकू है। तो उस कंडीशन में कैडी बुरियान को कौन नहीं जानता, हमेशा 50% कैप्टन रहता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ही। और यहाँ से मतलब जो बाटसुई है ये आपको न, मतलब सब्स्टिट्यूट में देखने को मिलेगा, और क्रिश्चियन बेंटेक है, अब आपको सारे प्लेयर्स याद आ रहे होंगे यार, ये उस टीम तरफ से था। और यहाँ से मार्टिनस, ये सीरिया लीग में खेला है। नासिर चैडिल, ये आपको पता है कहाँ पर खेला है, मेरे हिसाब से सऊदी अरबियन लीग में। और यूरी टेलिसमैन, जिसको हमेशा कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन रखते हैं, प्लस ये आपको पेनल्टी लेते नजर आता है उस टीम तरफ से, लेकिन इस टीम तरफ से नहीं। हजार्ड कौन याद नहीं रखेगा, तो इसलिए बोलता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट टीम क्यों है, क्योंकि इसमें इतना अटैकर है कि हर मतलब एक एक किक मारोगे ना तो 10 बार गोल हो जाएंगे, सॉरी मजाक। तो यहाँ से रोमेल लुकाकू इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और एडन हजार्ड जो कि इंपॉर्टेंट है यार, मतलब एक्साइटेड हूँ इसलिए, और केविन बुरियान जो कि 4 गोल कर चुका है। तो यहाँ से ये 3 प्लेयर को आप इग्नोर मत करना, और इस मैच में आने वाले क्रेडिट का हाई प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में सब इंपॉर्टेंट प्लेयर को आप पिक नहीं कर पाओगे, तो कुछ लिमिटेड प्लेयर ही इस मैच को स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रहेगी। तो गाइज अब बात करते हैं जो इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो गाइज इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट एडन हजार्ड, जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर इस तरह है जिस तरह कैडी बुरियान है, केविन डी बुरियान। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको ये रोमेल लुकाकू, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा डेरिस मार्टिन शायद ये स्टार्ट कर पाए, लेकिन चैडिल अगर स्टार्ट करेगा तो ये आपको इंटरसेप्शन जैसा केविन डी बुरियान देता ना उसी तरह ये देखा। यूरी टेलिसमैन सबको स्टार्ट नहीं मिलने वाला इस मैच में, वैसे भी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऐसे हैं कि सारे देखने के बाद अच्छा लगने लग गया, और बाकी आप सामने सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। अब गाइज बात करते हैं इस मैच में आपको स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, तो 1-2 की रखी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार कम से कम यहाँ से 1-5 प्रेडिक्शन रखता, लेकिन क्या करें फिलहाल का जो रिसेंट फॉर्म के अनुसार रखनी पड़ रही है। तो इस मैच में जो हमारी 1-2 प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच समोलिक टीम रहने वाली इस मैच की, तो वो बात करने वाले हम ड्रीम 11 पर। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या रहेगी समोलिक टीम। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले फुटबॉल मैच की वीडियो रहेंगी हमारी ऑस्ट्रेलिया ए लीग की जो कल सुबह मैच है उनकी, तो उनके लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए हमारी वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट, क्या रहते इस मैच में हमारी 1-2 की प्रेडिक्शन के साथ समोली की टीम। फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन बनाया रोमेलो लोकाको, ये ऑब्वियसली पिक है। चाहे तो आप यहाँ से केविन डे ब्रुयन को बना सकते हो वाइस कैप्टन प्लस कैप्टन। यूरिस टेलिसमान ने इसलिए पिक किया कि मुझे लगता है इस मैच में स्टार्ट करेगा, और थॉर्जन हजार्ड इसको आपने कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन रख सकते हो रिस्की पिक में। और सिक को पिक किया है, मुझे लगता है कि इस मैच में एक गोल स्कोर करेगी, तो इस टीम के अनुसार आपको यहाँ से थॉमस सुसक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बराक कल मतलब कल आपने अगर हमारी टीम को लगाई होगा इस टीम की जो यहाँ से सी चेक रिपब्लिक थी उस मैच में ना इसको सिलेक्शन था 4% और इसको ना हमने अपनी ड्रीम इलेवन की टीम में रखा था और फिर भी लॉस हो गया यार। मतलब इसका 4% सिलेक्शन था और उसका फिर भी लॉस हो गया, तो यार ताज्जुब वाली बात थी कोई ना। बट हमें फिर से मेंबर्स का काफ़ी मैसेज आया कि भाई आपकी मेहनत तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन किस्मत हमारी ख़राब है कि इम्पोर्टेंट प्लेयर होने के बावजूद भी हमारे लॉस हो गए। तो कोई ना, होप्स इस मैच में हम अच्छा करेंगे और उम्मीद है कि इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर शायद अब मैं मतलब आपको देने की कोशिश करूँगा। तो होप्स की चैनल को सब्सक्राइब कर मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करेंगे। और मैंने गोलकीपर इसलिए पिक किया क्योंकि आपको पता है कि ये टीम काफ़ी अटैकिंग है, तो उस कंडीशन को सेव करने का हाई चांस रहेंगे यहाँ से, मतलब जो चेक रिपब्लिक के जो गोलकीपर है उसको। तो थैंक यू वेरी मच, तो होप्स आपको समझ में ज़रूर आया होगा।